का मंत्र आप सभी को आता है, सभी मिलकर के इस मंत्र का मेरे साथ उच्चारण करें। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। देखिए जैसे भगवान श्री गणेश को याद किया, हमारे बीच गणेश जी आ चुके हैं और उनके पूरी पूरी तारीफ के साथ ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया।
अपने गुरुवर से ज्ञान प्राप्त कर करके आज समाज में खड़े हुए लायक अपने आप को बनाया है।
अगर विश्वास है, देखिए पहले गुरु हमारे माता पिता, उसके बाद वो गुरु जो हमें शिक्षा दीक्षा दे करके, हमें पढ़ा लिखा करके ऐसा बनाया कि हम इस समाज में खड़े हो सके। तो आइए एक जयकार अपने उस गुरुदेव के लिए जिसकी बदौलत आज हम समाज में खड़े हैं। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की, और जिस पर गुरु की कृपा हो गई उसके तो जीवन भरे न रहे, और जिसकी जिंदगी में कोई गुरु नहीं होता उसका जीवन हमेशा अंधकार में भटकते रहता है। तो ऐसी कृपा गुरु की होनी चाहिए, और जहाँ भी कहीं भी हमें कोई गुरुवर मिल जाए या कोई साधु संत मिल जाए तो हमेशा उनके साथ हमें बैठना चाहिए, क्योंकि साधु संतों के साथ और गुरुवर के साथ बैठेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो ये बड़ी बड़ी तालियों के साथ एक भजन गुरुदेव के चरणों में। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण, बस सुन के गाने की कोशिश कीजिए, मैं शरण पड़ा चरणों में जगह देना। तो पूरी पूरी तालियों के साथ झूम कर जी गुरुदेव I'm
गलतियां हो जाती है। हम अपनी मम्मी से कह देते हैं, मम्मी तुम कुछ भी नहीं जानती हो, अपनी मम्मी को डांट देते हैं क्योंकि वो हमारी चलनी है, हमारी हर बात को स्वीकार कर लेती है। और पापा से कहते हैं, पापा बेकार है, आप सत्या गए हैं। अरे वो पापा सत्या ही नहीं होते तो आदमी इतने बड़े थोड़ी होते हैं। तो हम इंसान गलती के पुट के हमसे गलतियां होती हैं, तो आज हमारे बीच गुरुदेव है, माता रानी का दरबार लगा हुआ है। आइए अपनी गलती की क्षमा यात्रा करते हैं। जाने में अनजाने में अगर हमने अपनी माता पिता का या हमारे गुरुवर का दिल दुखाया हो, उन्हें कटु शब्द कहे भी हैं जिनसे उनका दिल छलनी हो गया हो, तो आज क्षमा मांग लेते हैं और कहते हैं क्षमा मांगने से भगवान माफ कर देते हैं। ये तो हमारी गुरु है, हमारी माँ, हमारे पिता है। तो आइए क्या कहेंगे, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। नहीं दास भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। और ये मिठी मिठी तालियां, तेरे सर का भिखारी हूँ, और तेरे सर का भिखारी हूँ। मेरे कोच मिटा देना, तेरे सर का भिखारी हूँ, मेरे कोच मिटा देना। तू मेरे दया करके मुझको अपना देना। Jai Guru Deva, 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 Jai Guru De
तो लाल दे हिलाली
माता समिति के साथ गाइएगा, सुनकर भी गाइएगा, दो लाइन भी गाएंगे तो मेरा गाना, मेरा भजन आना आना सब कुछ सफल हो जाएगा। वीर हनुमाना अति बलवाना वीर जब आप लोग इनके बराबर में आए तो इस भजन का आगे बढ़ता हूँ। वीर हनुमाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम जपियो रे वीर हनुमाना राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु के मन में बसने वाले वो ऐसे हमारे हनुमान। तो आइए दूर करने के साथ वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन Yeah.
साथ गा रही ऐसा जोश होना चाहिए थोड़ा जोश के साथ अरे अर्जी हमारी अर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी अर्जी तुम्हारी सबकी दुनिया रे प्रभु मन बसियो रे सबकी दुनिया रे प्रभु मन बसियो रे Thank you.
Thank you.
अवरलाई ना भगवती चरण कमल ऐसे स्मरण करते हमें फेरी पुनः आज के इस कार्यक्रम में हमारा अति माननीय सम्माननीय श्री टुल्लु आउनुभएको छ वहाँलाई हामी नमन गर्दछौँ यहाँ पनि हाम्रा टुल्लु हुनुहुन्छ अनि दुईपट्टि हाम्रा विशिष्ट व्यवसायलाई हामी आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्ने तपाईँले आजको यस कार्यक्रमलाई अति नै दुःखी आनन्दले भगवती माको चरण कमलमा झुम्दै रहँदै आनन्द गर्नुहोस् भनेर म यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु अनि विशेष गरी हमारे सिलगढ़ी से आए हुए हमारे माननीय श्री ललित पारिक जी उनका भी मैं शत शत नमन करता हूँ आप जैसे गायक हैं इसीलिए हम जैसे छोटे मोटे भगत हैं भगवती भजन की बहुत भोगी है आपके भजन से हम रंगते हैं इसीलिए अभी हम अनाउंस करने जा रहे हैं कि हमारे 1008 श्री श्री कालिदास महाराज जी का हम स्वागत करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा धीरज धर कर रखिए बस कुछ ही पल और कुछ ही क्षण में उनका इस मंच में आगमन होने जा रहा है वहाँ बाबरे इस मंच से बाकी ही समय माने वहाँ प्रस्थान होने सब इसलिए कर रहे हैं अभी वहाँ आए हार्दिक स्वागत करने सो अन्य वाला सियाम व्यक्ति पर हजुर और लाइक पसंद न गए रहेगा सो क्योंकि वो बता रहे आज दिन बड़ी कार्यक्रम भाई को कारण में कर रहे हैं शायद हमें इंडिविजुअली भेटना होना सकता तर पनि बाबा भोलि हुनुहुन्छ बाबा हाम्रै नै हो बाबा कसैको होइन अहिले फिलहालको लागि त्यसले गर्दाखेरि भोलि 9 बजी फेरि बाबाले सबै सबैले पर्सनली दर्शन दिनुहुनेछ कारण हाम्रोमा अहिले अलिकति समयको पनि अभाव हुनेछ त्यसले गर्दा हामी बाबाको सार्वजनिक दर्शन गरेर बाबालाई पनि आराम गर्ने हामी मौका दियौँ अनि फेरि 9 बजी बिहान हामी यही पार्कको ट्रायङ्गलमा भेट भएर बाबाको हामी दर्शन पान गरौँ तबसम्मलाई तपाईँले हाम्रो महाराजजीहरूको यस्तो समुद्र अमृत भजन रसलाई तपाईँले स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेर म निवेदन गर्दै हजुरहरू समक्ष मेरो 2 शब्द यहीँ पस्काउन चाहन्छु जय माता दी हर महादेव Oh.
Oh,
क्या लगेगा मोल, बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगेगा मोल, 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 बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगेगा मोल,
महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय।
बोले गुरुदेव महाराज जी की तो आइए इनको स्वागत करते हैं गुरुदेव के सभी मिलकर मेरे साथ गाइएगा स्वागतम 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 हम बड़े धन्य हुए कि आज हमारे दृष्टि ने ऐसे महापुरुष के दर्शन किए। ये तभी हो पाता जब ऊपर वाले की आशीर्वाद हो। आज माता जगत जननी के आशीर्वाद से गुरुवर के दर्शन हुए। आज हम धन्य होंगे गुरुदेव धन्य होंगे बोले गुरुदेव महाराज की जय श्री कालिदास महाराज बाबा की। Yeah.
Thank you.
आज परम सौभाग्य का बात है, आदरणीय सम्मानीय हमारे पूजनीय योगीदास महाराज जी का तरफ से और सभी इस प्रांगण में संगीतकार आए हैं, सभी मातृशक्तियाँ अनुराधा मातृशक्तिहरू योगीराज को कृपाले हाम्रो यत्रो सौभाग्य प्राप्ति भयो। आज हामी बहुत धन्य धन्य भयो, धन्य धन्य भयो। कलिजुग केवल हरि गुण गाने, कलिजुग केवल हरि को गुण गाउने र ईश्वर को स्मरण गर्दा मुक्ति मोक्ष और गति प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रमाणित छ। आज यहाँ सभी जागृत में आउनु भएका पत्रकार मीडिया जाति जनजाति आदिवासी भक्तजन भद्र मातृशक्ति भद्र पुरुष र आउनु भएका अतिथिगण अति राम्रो सौभाग्यको साथ आज यत्रो जागरण सुसम्पूर्ण हुन गइराखेको छ। सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ कितनाको हिन्दी नेपाली समझमा नहीं आती होगी और कितना सबको तो यहाँ तो दार्जिलिङ तो ऐसा है, सारे गोरखाई गोरखा है, यहाँ तो सभी को भाषा नेपाली समझमा आई जाती है। यति राम्रो यति साम्राज्य भयो कि हिमाचल प्रदेशदेखि ज्वालामाको ज्योत लिएर यो दार्जिलिङलाई उज्यालो ज्योति रूप बनाउन महाराजीको यत्रो सहयोग भयो, उहाँलाई बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। महाराजीले यहाँ यो गर्नको आज युनिटी धामको 24 वर्ष पुरा भएछ, अब 25 वर्षमा रजत जयन्ती सिल्भर जुब्ली पनि भनिन्छ हाम्रो, उहाँले अर्को वर्ष गराउँदै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा प्रथम उहाँले सर्वश्रेष्ठ काम गरिबस्यो यो ज्योतिको कार्यक्रम, हर गाउँ हर नगर हर क्षेत्र सबै मन्दिरमा यो ज्योति गएर जल्दा कति शक्ति पाइन्छ होला। यो ज्योत जागरण गर्ने काम उहाँले गरेकोमा उहाँलाई धेरै आभार र प्रकट गर्न धन्यवाद गर्न चाहन्छु। उहाँलाई भन्दा पनि उहाँका जन्मदाता
पिता और मालाई आमालाई मातृदेव भव पितृदेव भव अतिथिदेव भव आचार्य देव भव भन्ने हाम्रो शास्त्रले नीति ग्रन्थले भनिएको छ। यस्तो पुत्र पैदा गरेर यस्तो सानो आयुमा सबैलाई जागृति गर्ने यस्ता महापुरुषलाई सत् सत् नमन और वन्दना धन्यवाद गर्न चाहन्छु। योगिराजी मेरो शिष्य हुनुहुन्छ, म बडा दीक्षित कामाक्षामा हुनुहुन्छ, तर उहाँले धेरै भक्ति र श्रद्धा राखेकोले गर्दा आज म यो दार्जिलिङको यो अति पवित्र पुण्य धरतीमा आउने सौभाग्य र मातृशक्तिहरू सबैलाई दर्शन गर्ने मौका पाउँदा म अति हर्षले गदगद हुँदैछु। आउने समय एक एक एघार भएर सबै संगठित भएर एउटै धामलाई राम्रो एउटा आश्रम जस्तो मन्दिर बनाउने योजनाहरूले गरिबक्सीमा अति कृतार्थ हुनेछ। त्यसको लागि शिवशक्ति बाबा कालिदास धाम चेरिटेबल सोसाइटीले पनि सहयोग गर्नेछ र आउनेवाला भविष्यमा सबै मिलेर हामी एक हौँ, एक एक एघार भएर मजबुत हौँ, मजबुत हुने हामीले यो कार्य गरौँ। सबैलाई आभार, सबैलाई धन्यवाद र गायककारहरूलाई बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत प्रणाम। तपाईँहरूले आफ्नोले जो कार्य किया सबै नर रूपी नारायणका भजन गाते आफ्नोले सबैका हर मन को जीत लिया, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोग का दिन जो गुना रात का गुना उन्नति हो, उन्नति का पथ में चले और आप लोग ऐसे करते करते सबका दिल छोड़ते हुए आप भजन करें। और यही बोलते हुए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। आने दिन, आने वाला दिन भी ऐसे करते रहे। धर्म दिया हुआ पराक्रकाली है, राखा हुआ नष्ट हो जाने वाला है। दिए को परात्र, राखे को अलपत्र, अलपत्र होने काम नगरो र हामीले सबै सदा सर्वदा हाम्रो काम सत्कर्ममा हाम्रो मन लागो, त्यही भन्दै म आजको बाणी यहीँ विश्राम दिन्छु। सबका लिए आभार, सबका लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत। भगवान सबका मनोइच्छा पूर्ण करे। धन्यवाद। बाबाको चरण कमललाई हामी नमन गर्दै हामी आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदै आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई हामी विराम दिन गइरहेको छौँ। अनि विराम दिन अघि हाम्रा सङ्गीतकारहरू अनि गायकलाई बाबाको तर्फबाट एउटा सानो चिर स्मृति मोमेन्टो दिन गइरहेको छौँ। कृपया जोरदार तालीले उहाँहरूका सम्पूर्ण टोलीलाई हामी अघि आइदिन्छौँ। यो बाबाको हात छ स्वीकार गरिदिने निवेदन गर्न चाहन्छु। मैं यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को दिल से नमन करता हूँ। अगर आज के इस कार्यक्रम में किसी भी प्रति कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने वही किया जो मेरे माता पिता मेरे गुरु ने मुझे सिखाया और बचपन से मेरे माता पिता ने मुझे भजन संगत में जैसे अभी इन बच्चों को देख रहा हूँ उनको देख करके बहुत ही खुशी होती है। हमें खुशी होती गर्व होता है कि हम हिंदू समाज से हैं, हम सनातन धर्म से हैं। मैं चाहूंगा सभी अपने अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालें कि वो जाएं भजन कीर्तन में, किसी जिसको अपॉइंटमेंट नहीं जाते भजन कीर्तन में जाएं, क्योंकि आने वाला समय सनातन धर्म के लिए बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। हामी यस कार्यक्रममा अन्त गर्न अघि बाबासँग उपस्थित हुनुभएका हाम्रा
कामाख्यामा हामी सँगै दीक्षा प्राप्त हुनुभएका श्री रमेश प्रसादज्यू श्री आशिष सुन्दास देवज्यूलाई अनि सातकन्या मन्दिर टोलीलाई पनि हामी मायुनी धामबाट स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उहाँलाई हामी दोसाना अर्पण गरेर यस कार्यक्रममा हामी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। कृपया मञ्चमा रमेश दाजु लगायत हाम्रो आशिष भाइलाई हामी निम्ताउन चाहन्छौँ। हाम्रा आदर्शी श्री कालीमन्दिरबाट उत्पत्ति हुनुभएका हाम्रा सङ्गीता माताज्यूलाई पनि हामी बाबाको रूपबाट दोसाना अर्पण गरिरहेका छौँ। कृपया जोरदार तालले उहाँलाई स्वागत गरिदिनु। यसरी वेदबाट पाल्नु भएका हाम्रा अतिथिगणलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साथै बाबाका सहपाठी भनौँ, बाबाको हर क्षणमा उहाँ साथमा साथ भएर बस्नुहुने उहाँलाई पनि हामी जोरदार तालीले मञ्चमा पाउन गइरहेको हाम्रा श्री रमेशको साथी श्री सातकले मन्दिर उनका भी हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और हमारे विक्की जी उनका भी हम जोरदार ये बाबा के सभी मीडिया जितना भी है सब समानते हैं उनका भी हम जोरदार ताली से पहाड़ में स्वागत करते हैं। और ऐसे ही अगर किसी को हम छूट दिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें यदि कुछ छोड़े तो हमें भोली गई संध्या कालीन मन मंदिर समाज मठ सबला हमी समाज का हमने कार्यक्रम लगाया छो 9 बजेदेखिको हाम्रो हवन अनि छपन भोगको कार्यक्रम छ। लगायत बाबाको पनि भोलि प्रस्थान हुनेछ। त्यसरी गर्दाखेरि हजुरहरूले आज जसरी आउनुभएको थियो भोलि पनि हवन अनि पूर्णाहुतिमा सबै सहभागी बनिदिने निवेदन गर्दै भण्डारा लिएर मा भगवतीको यस अनन्त ज्योतिलाई हामी अनन्त कालसम्म जलाइरहौँ भन्दै हजुरहरू सम्पूर्णलाई आजको यस कार्यक्रमलाई हामी यही विराम दिन घोषणा गर्दै एकपल्ट फेरि मा भगवतीको नाममा जयकारा गर्न चाहन्छु। एकपल्ट बोले साँझै।